जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए देखते हैं आज की खबरें। मुख्यमंत्री मोहन यादव के घनसौर आगमन पर कलार समाज महासभा द्वारा किया गया भव्य स्वागत। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी भाजपा प्रत्याशी पूर्व राज्य मंत्री श्रीमान फग्गन सिंह कुलस्ते के समर्थन में सिवनी जिले के घनसौर ब्लॉक में आगमन हुआ, जिसमें कल्चुरी महासभा द्वारा मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव का सम्मान किया गया। इस अवसर पर सामाजिक मुखियाओं का योगदान रहा। सामाजिक मुखिया द्वारा आगामी समय में मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में 3 बार विजयी विधायक दिनेश राय मुनमुन भैया को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की मांग की है। पाकिस्तान की तो क्या सिट्टी पिट्टी गुम करी है। वो पाकिस्तान जिससे पूरा देश परेशान रहता था, हैरान रहता था, सीमाओं तो छोड़ो दिल्ली। वही जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह द्वारा किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हमारे संवाददाता से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी आशीष दुबे ने अपने चुनाव अभियान की जानकारियां साझा की। आज हमारे बीच में है और कार्यालय की ओपनिंग भी है और उनसे जानते हैं किन मुद्दों के साथ वो जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच में पहुंच रहे हैं? मुद्दा हमारा भारतीय जनता पार्टी का हमेशा एक रहा है, विकास, विकास और विकास। विकास की भूख भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, जनप्रतिनिधियों में और सरकार में हमेशा बनी रहती है और उसी की सुखद परिणति यह है कि आज देश में विकास हो रहा है। जहाँ जहाँ पर प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ विकास हो रहा है और विकास के लिए ही भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है। कांग्रेस प्रत्याशी का जहाँ एक नया सिगूफन में चल रहा है कि 10 का नोट और वोट मांग रहे हैं, उनकी रणनीति पर आप क्या कहेंगे? मैं इसको सिर्फ प्रोपेगेंडा मानता हूँ और कुछ नहीं। जनता का क्या समर्थन मिल रहा है आपको? सर, आप खुद देख रहे होंगे, शहर में आप घूम रहे हैं, जनता का अपार समर्थन। भारतीय जनता पार्टी, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे संगठन के मुखिया कल आ रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी, हमारे वीडी शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष, इन सब का जो एक सामूहिक नेतृत्व है उसके साथ पूरा जबलपुर उनके साथ है। ये थी आज की खबरें। और खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज़ जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।